जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं और उनके एडमिट कार्ड, कट ऑफ, फाइनल मेरिट लिस्ट, मेडिकल, आपको कंप्लीट जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जिसका बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, वो है असम राइफ़ल की वैकेंसीज़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे असम राइफ़ल की वैकेंसीज़ हैं वो कब आएंगी। तो दोस्तों, उससे पहले हम जो असम राइफ़ल की में बारे में जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिएगा, क्या किस प्रकार की पोस्ट निकलेंगी पहले, फिर मैं उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन है जो असम राइफ़ल का, फिर वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, जो असम राइफ़ल में है वो आपकी जीडी की ट्रेडमैन, वाशरमैन, कुक, बारबर, अटेंडेंट, प्लम्बर, हवलदार, इन पदों के लिए जो भर्ती है वो आपकी निकलेंगी। दोस्तों, इसमें मैं आपको दोबारा देकर देता हूँ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, हवलदार क्लर्क, राइफलमैन मैकेनिकल व्हीकल मैकेनिकल, राइफलमैन प्लम्बर, हवलदार, राइफलमैन फीमेल अटेंडेंट, बारबर, कुक, बूट रिपेयर, राइफलमैन सफाई कर्मचारी, राइफलमैन वाशरमैन, जो टोटल 134 पोस्ट है, इन पर ये भर्ती आपकी होगी, जिसमें एप्लीकेशन फीस है वो आपसे 100 रुपये मांगी जाएगी, जिसमें आपकी टेंथ या ग्रेजुएशन आपकी मांगी जाएगी। जो टेंथ या ग्रेजुएशन की क्वालिफाई एज की बात करें तो आपकी 18 से 28 होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका फॉर्म वो ऑफलाइन भरना, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। आपकी सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेके 69,100 तक रहेगी पर मंथ। जॉब लोकेशन आपकी इंडिया में कहीं भी रहेगी। हाइट की बात करें, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 127 सेंटीमीटर। और रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर है जो 24 मिनट में करनी है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में करनी है। इसमें दोस्तों आपका पहला फिजिकल होगा, फिर रिटर्न, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल होगा आपका। और आपका जो एड्रेस है वो आपका डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच लेटकोर शिलोंग मेघालय 793010, यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपको आपने पहुँचा देना है। दोस्तों, अब चलते हैं हम इसका जो नोटिफिकेशन है। दोस्तों, देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग 793010, इसमें देख सकते हैं एडवर्टाइज फॉर रिक्रूटमेंट थ्रो कंपेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इन असम राइफल, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है एलिजिबिलिटी। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपका 1 मार्च से चालू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो अभी थोड़ा रोक दिया है, क्योंकि इसका 2-3 महीने बाद ही फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए अभी ये रोका हुआ है। ये अपडेट आपकी शायद नेक्स्ट मंथ के लगभग कुछ आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट मंथ में आपकी जो वैकेंसीज हैं उसकी आने की उम्मीद रहेगी। इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो असम राइफल के डिपेंडेंट हैं या जिनके फादर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी होगी। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जो डायरेक्टर जनरल असम राइफल लेटकोर शिलोंग मेघालय में आपको पहुंचा देना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.asamrifles.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी जो जीडी की वैकेंसी है 87 रहेंगी, हवलदार की 15, वारंट ऑफिसर की 1, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल की 1, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक की 2, राइफलमैन आर्मर की 1, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन की 1, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन फॉर मेल ओनली सिर्फ मेल 2, फिर उसी तरह आपकी राइफलमैन बारबर की 3, राइफलमैन कुक की 6, राइफलमैन इक्विपमेंट एंड बूट रिपेयर की 2, राइफलमैन सफाई कर्मचारी की 4, राइफलमैन वाशरमैन की 3। दोस्तों, ये वैकेंसी टेंटेटिव हैं, घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। दोस्तों, आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा और आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमोसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है टेक्निकल का या आईटीआई का, साथ में वो अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में आपके साथ कोई कॉपी और अटैच करके डायरेक्टर जनरल असम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच लेटकोर शिलोंग मेघालय पर भेज देना है। ज़्यादा क्वारी के लिए आप जो वर्किंग डे हैं उसमें आप जो इसका असम राइफल का हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और जब भी ये फार्म निकलेंगे इनकी अपडेट मैं आपको उसी टाइम पर प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें भी जो 400 प्लस कुछ वैकेंसी निकलने वाली हैं, जो सुपरवाइज़र की और मटेरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी होंगी वो उसमें निकलने वाली है, उस पर भी मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा।
ज़्यादा, और हमारे, और अगर आप इस तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।